हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रोहन और सबसे पहले आपको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बहुत ही कॉमन है। मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि डॉग का मेंटेनेंस क्या है, इस डॉग का कितना खर्चा आएगा, मंथली खर्चा क्या होगा, बहुत सारे सवाल आते हैं और ये बहुत ही कॉमन सवाल है। तो मैं इस सवाल का डायरेक्टली जवाब तो नहीं दे पाता कि आपके डॉग का मंथली 3,000 खर्चा आएगा, 5,000 खर्चा आएगा, 10,000 खर्चा आएगा, ये तो डिपेंड है। पर उसके लिए मैंने 4 बहुत ही कॉमन पॉइंट्स निकाले हुए हैं जिसके बेसिस पे एटलीस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉग का कितना खर्चा आएगा या फिर क्या मेंटेनेंस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी अपडेटेड विद माय लेटेस्ट वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले पॉइंट है वेट बिल्स। तो वेट बिल्स को मैंने बायफर्गेट किया है वैक्सीनेशंस, मेडिकेशंस एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो वैक्सीनेशंस तो बेसिकली जैसे आपका पपी हुआ या फिर एडल्ट हुआ, वैक्सीनेशन तो करना ही है सो दैट ही विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीजेस। तो वैक्सीनेशन का खर्चा आपको कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद आता है मेडिकेशन। अब मेडिकेशन के मामले में क्या होता है कि मेडिकेशन का जो क्वांटिटी होता है, अगर कोई एक सपोज एक दवा है जो ml में है, लिक्विड फॉर्म में, और वो डिपेंड करती है आपके डॉग को कितना देना है कि उसका कौन सा ब्रीड है, लार्ज ब्रीड है, मीडियम ब्रीड है, छोटा स्मॉल ब्रीड है, और उसका वेट क्या है। मेनली तो वो वेट पे डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है, वेट के अनुसार उसका प्रपोर्शन चेंज होता है। ज़्यादा वेट के लिए ज़्यादा मेडिसिन दिया जाता है, कम वेट के लिए कम मेडिसिन दिया जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आपका डॉग कौन से कैटेगरी में बैठता है, उसका वेट कितना है, उस हिसाब से आपका मेडिकेशन भी उस हिसाब से दिया जाएगा और उस हिसाब से मेडिकेशन का खर्चा भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है जो है शैम्पूज और अदर जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है और उसके कोट के लिए एंड एवरीथिंग, वो प्रोडक्ट्स को मैं इस वेट बिल्स के अंदर डाल रहा हूँ। सो ये भी डिपेंड करता है कि आपका डॉग कितना फरी है, कितना शॉर्ट कोट में आता है, मीडियम कोट में आ रहा है, डबल कोट में आ रहा है, लॉन्ग कोट में आ रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, उसके लिए आपको कितने प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दिस इज अनदर थिंग। तो ये सब है जिसको लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि क्या खर्चा हो सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो है सेकेंड पॉइंट जो है फूड। फूड अगेन डिपेंड करता है कि आपका डॉग कितना खाता है और क्या खा रहा है। अगर आप कमर्शियल फूड दे रहे हो तो कमर्शियल फूड भी मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल है, आरसी है, एनएनडी है, पेडिग्री है, स्मार्ट हार्ट है और भी बहुत सारे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सब के प्राइजेस भी अलग अलग हैं। फिर डिपेंड करता है आपका डॉग कितना खा रहा है, कितने टाइम खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। सो अगेन डॉग फूड पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर उसमें ही सेकेंड पॉइंट आता है नेचुरल फूड सोर्स, कि आप कितना उसको नेचुरल फूड सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब वो आप चिकन हुआ, एग्स हुआ, वेजेस हुआ, फ्रूट्स हुआ, इन सब का प्रपोर्शन कैसा दे रहे हो, एक कैसा डाइट आप उसको खिला रहे हो, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका डॉग का फूड का खर्चा कितना आएगा एंड यू कैन कैलकुलेट इट। सो थर्ड टॉपिक आता है टॉयज एंड लीश। तो अगेन लीश तो आपके डॉग के साइज के अनुसार ही आएगा तो उसका खर्चा है। फिर टॉयज आता है, कुछ लोग टॉयज प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग टॉयज नहीं प्रोवाइड करते हैं। टॉयज में भी अगेन आता है कुछ टॉयज सिर्फ प्लेइंग के लिए होता है, कुछ टॉयज होते हैं जो डेंटल केयर के लिए होते हैं, कुछ टॉयज होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस हिसाब से आप कितना टॉयज यूज कर रहे हो, कौन सा टॉयज यूज कर रहे हो, कब यूज कर रहे हो, ये सब डिपेंड करता है एंड दिस इज वन मोर थिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके बेसिस पे। फिर आता है फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो है लाइफस्टाइल, कि आप अपने डॉग को कैसा लाइफस्टाइल दे रहे हो। सी कुछ लोग होते हैं जो डॉग के लिए अलग से डॉग बेड होता है, डॉग शूज लेते हैं, डॉग रेनकोट लेते हैं या फिर डॉग का अलग से क्लॉथ्स लेते हैं, ये सब करने वाले भी लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ करते ही नहीं है, उनके पास सिर्फ डॉग होता है पर ये सब खर्चा वो करते नहीं। सो ये भी अगर डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको क्या लाइफ दे रहे हो। दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड। अगर आप को लगता है कि और कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इसमें वीडियो में डालने चाहिए थे या फिर जिसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो सो दैट आई विल बी अपडेटेड एंड आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको हाईलाइट कर दूं। सो दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी अपडेटेड विद माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स, adios।